हाय दोस्तों, मैं दीपक कुमार अपने इस चैनल एबिलिटी बूस्टर पर आपका स्वागत करता हूँ। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को तेज़ करते हुए 1 मई से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ रहा है। राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन कितने रुपए मिलेगी इसका ऐलान भी हो चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन के लिए एक डोज की कीमत भी तय कर दी है, जिसके मुताबिक कोविशील्ड की एक खुराक प्राइवेट अस्पताल में जहाँ 600 रुपये में मिलेगी, वहीं सरकारी अस्पताल में इसकी कीमत 400 रुपये होगी। यानी सरकारी अस्पताल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 400 रुपये देकर तो प्राइवेट अस्पताल में 600 रुपये देकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आगे कहा कि कंपनी वैक्सीन का कुल उत्पादन का 50% भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम को देगी और शेष 50% वैक्सीन राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए होगी। बता दें कि अब तक सिर्फ भारत सरकार ही टीका खरीद रही थी, मगर अब राज्य सरकार भी टीके को खरीद सकेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की एक खुराक का दाम राज्य सरकार के लिए सरकारी अस्पतालों में 400 रुपये में प्राप्त होगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये में यह खुराक लेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीरम ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीनेशन की कीमत अन्य विदेशी वैक्सीन की कीमत के मुकाबले कम है। उसने अन्य वैक्सीन की कीमत भी बताई है। अमेरिका में वैक्सीन की कीमत उन्होंने 1500 रुपये प्रति डोज, रूस में 750 रुपये प्रति डोज तथा चीन की वैक्सीन की कीमत 750 रुपये प्रति डोज है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।